बांग्लादेश में दूसरी बगावत शुरू होने का खतरा मंडराने लगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब एक नया झगड़ा शुरू हो चुका है और उसकी चपेट में वहां की नई सरकार भी आ सकती है। जानकारी यह है कि बांग्लादेश को अब दूसरा अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही। हिंदुओं पर हिंसा, बारूद बना बांग्लादेश। इन दो तस्वीरों में बारूद बन चुके बांग्लादेश की खूनी हकीकत दिख रही है। ये वो बांग्लादेश है जहां रहने वाले 1,35,00,000 हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश है जहां हिंदू बेटी बहुओं और माओं के साथ गैंगरेप किए जा रहे हैं। ये वो बांग्लादेश है जहां 15 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने वाली शेख हसीना को अपने पीएम आवास से जान बचाकर भागना पड़ा है। ये वो बांग्लादेश है जहां प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया, जलाया गया है। ये वो बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर हथौड़े चलाए गए, उनकी प्रतिमा को जमीन पर उठाकर पटक दिया गया। बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महज 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश के मुकद्दर पर जमात इस्लामी का कब्जा हो चुका है। अब बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ आवामी लीग के मुखिया शेख हसीना का वजूद खत्म हो रहा है, तो वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा बनी खालिदा जिया का कट्टरपंथी मिशन बांग्लादेश में जड़ें जमा चुका है। 5 अगस्त 2024 के बाद से पूरा बांग्लादेश बदल चुका है। राजधानी ढाका पर जमाते इस्लामी से जुड़े कट्टरपंथी छात्र नेताओं का कब्जा है। अंतरिम सरकार के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हजारों हिंदू और अल्पसंख्यक सड़क पर उतर चुके हैं। घबराए और गुस्से से भरे हिंदुओं के प्रदर्शनों की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि बांग्लादेश में अब किसी का भी कंट्रोल नहीं है। পোলো বানাইছিল গ্যাঞ্জাম হয়েছিল, পরে আমি ওইদিকে দাঁড়াইছিলাম, প্রথমে পুলিশে গুলি করছিল, পরে দেখে আর পারতেছে না, অনেক মানুষ এসে পড়ছে, তো পরে পুলিশে দিয়ে গেছে। জরা দেখিয়ে কহা কহা হিন্দু বাংলাদেশ মে প্রদর্শন কর রহে হ্যায়। বাংলাদেশ মে সবসে বড়া হিন্দুও কা প্রদর্শন ঢাকা মে হো রহা হ্যায়। ঢাকা সে প্রদর্শন কি দো তসবীরে আই হ্যায়। वहीं চটগাঁও মে হিন্দুও কি ভারী ভিড় নে হিংসা রোকনে কে লিয়ে প্রদর্শন কিয়া। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं का साफ कहना है कि बांग्लादेश सभी का है, किसी एक धर्म का नहीं। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पंचगढ़ गोपालगंज में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू। बेहद गुस्से से भरे हिंदुओं ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। नारे लगाते हिंदुओं ने साफ किया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, इसके लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। भाई है हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश के 64 जिलों में 52 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू और अल्पसंख्यकों पर सबसे भीषण हमले किए गए। हिंदुओं को मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप तक किए गए और अभी भी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव, गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही, मयमनसिंह, रंगपुर, बरिसाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज में जमकर हमले हो रहे हैं।
बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई और जमात इस्लामी की कठपुतली बन चुका है। यही वजह है कि कुछ कट्टर मौलाना बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर भड़काऊ नारे और बयानबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कट्टरपंथी मुसलमान बेहद खुश हैं। जरा देखिए, खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने बांग्लादेश से हिंदुओं को समाप्त करने की अपील की है। इस अपील को लेकर मौलाना ने एक्स पर ट्वीट किया है। मौलाना अबू नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर ने इस्लामी कानून का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के पास दो विकल्प हैं। पहला ये है कि मौत को गले लगा लें और दूसरा ये कि इस्लाम अपना लें। अगर बांग्लादेशी हिंदू इस्लाम धर्म ना अपनाएं तो उन्हें मार दिया जाए। मौलाना ने ये एक्स पर लिखा है कि उन्हें हिंदुओं से समस्या नहीं है, बस वो मुस्लिम देशों में मुसलमानों के नीचे रहने को स्वीकार कर लें, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दें और हिंदू इस्लामी कानूनों का पालन करें। ग्रुप को समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे, तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोग ग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके किसान, सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, हाँ, वहाँ पूछना, समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचक सुनता हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि तीसरे टर्म में मैं तीन गुना रफ्तार से काम करूंगा और यही तो तीन गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी है तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेंगे। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। कि उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपने घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।
तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं। किसानों से इस बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर प्रदर्शन तेज हो गया है। नाराज डॉक्टरों का संगठन हड़ताल पर है। तो इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर एक बड़ा हमला बोलते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने भी इस हत्या पर कई तरीके के सवाल खड़े किए। गांगुली ने ममता सरकार को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत के बाद हत्या से कोहराम मचा है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि मेडिकल से जुड़े छात्र और स्टाफ सड़क पर उतर आए। कहीं कैंडल लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर नारेबाजी जताकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक महिला डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद पुलिस ने जब शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाहिर की तब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक उबाल आ गया और मेडिकल से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के प्राइवेट पार्ट, दोनों आंख और मुंह से खून बह रहा था। साथ ही चेहरे पर नाखून और चोट के निशान मिले। इस दरिंदगी के बाद मेडिकल से जुड़े छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और प्रदर्शन होने लगा। इस मामले को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो अब महिला डॉक्टरों को इंसाफ दिलाने की मांग पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कर दी। सौरव गांगुली ने इस घटना को जघन्य बताया और सख्त कार्रवाई की जरूरत को बताया। वेरी अनफॉर्चुनेट, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। इट्स टेरिबल, रियली रियली टेरिबल। इसी बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत और हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। आरजी कर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस जहां कार्रवाई में जुटी है, वहीं बीजेपी ने पुलिस पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं जेएमएम नेता महुआ मांझी ने भी राज्य सरकार को इस मामले में सीरियस रहने को कहा। देखिए, पहले ही मैं बता चुका हूं, ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है, इसकी इंक्वायरी ठीक से होनी चाहिए। हम सीबीआई डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पहले बोली थी कि आत्महत्या का केस है, बाद में वही पुलिस बोल रही है कि ये मर्डर है और जिसको अरेस्ट किया गया ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है इसका सटीक इंक्वायरी अगर चाहिए तो सीबीआई होनी चाहिए। देखिए, इस तरह की घटना जहां भी हो रही है अत्यंत निंदनीय है और चाहे किसी भी स्टेट में हो, वहां की सरकार को इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा और जो भी दोषी है उसको तत्काल ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। कोलकाता पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में जिस संजय राय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, दावा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद एक अहम सुराग छोड़ गया था और इसी वजह से वो तुरंत पुलिस के चंगुल में फंस गया। पुलिस को महिला डॉक्टर के शव के पास एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की लिस्ट बनाई। इन संदिग्धों से पूछताछ के दौरान ये ब्लूटूथ हेडफोन आरोपी संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी संजय राय एक सिविक वॉलंटियर था और अस्पताल के अलग अलग हिस्सों में उसका आना जाना लगा रहता था। सावन का आज चौथा सोमवार है और बताया जा रहा है कि मंत्री जोगाराम पटेल ने शिवजी की पूजा अर्चना की। मंगलनाथ महादेव मंदिर जोगाराम पटेल पहुंचे और इस दौरान वो पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, जहां वो महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। मंत्री जोगाराम पटेल ने दुग्ध अभिषेक किया है। भोगी शैल की नाग पहाड़ियों में मंगलनाथ महादेव मंदिर स्थित है और यहीं पर जोगाराम पटेल पहुंचे। उन्होंने सावन के चौथे सोमवार पर पूजन अर्चन शिवजी का किया है।
और इंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में सेबी के मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट की वजह से राजनीतिक गलियारों में सियासी वार पलटवार हो रहा। क्या है इस रिपोर्ट में, आप इस हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बीते साल अदानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने नया दावा किया है। हिंडनबर्ग ने अब सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है, उसी ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का स्टेक है। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। सेबी चीफ और उनके पति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाला बताया गया। हिंडनबर्ग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और जेपीसी से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कांग्रेस को घेरा। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी, ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है ये। तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार, वरिष्ठ एडवाइजर थे। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए मारो राजस्थान में।